नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आज एक ऐसा खुलासा हुआ जो खुलासा काफी चौंकाने वाला है। वैसे तो प्रतिदिन जब से केस सामने आया है तब से प्रतिदिन कई अलग अलग खुलासे होते रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो पत्र दिखाई दे रहा है, यह पत्र खुद श्रद्धा वालकर ने नालासोपारा की तुलिंज पुलिस को लिखा था 23 नवंबर 2020 को। आज 23 नवंबर 2022 है, 2 साल पहले की यह घटना है। ठीक 2 साल पहले श्रद्धा वालकर ने यह पत्र लिखा था, जिसमें श्रद्धा वालकर ने खुले अल्फाज में अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी में लिखा हुआ यह पत्र, इसमें खुले अल्फाज में यह अंदेशा जाहिर किया था कि आफताब अमीन पूनावाला मुझे मार डालेगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रद्धा वालकर ने यह खुले अल्फाज में पत्र लिखा था। इस पत्र के ऊपर पुलिस ने भी अपनी कुछ प्रतिक्रिया दी है, मैं उसकी भी बात करूंगा, लेकिन पहले आपको पत्र क्या है वो पढ़ के सुनाता हूं। पत्र है 23/11/2020 का, जिसमें लिखा है, टू द पुलिस, एवरशाइन सिटी, वसई ईस्ट। आई मिस श्रद्धा विकास वालकर एज 25, वुड लाइक टू रिपोर्ट अल्ताफ अमीन पूनावाला एज 26, फोन नंबर, अल्ताफ का फोन नंबर है, हु करंटली लिव्स एट B302, उसका एड्रेस है। उसके बाद एड्रेस पूरा होने के बाद में, हैज बीन अब्यूजिंग मी एंड बीटिंग मी, मुझे प्रताड़ित करता है, मारता है। टुडे ही ट्राइड टू किल मी, आज उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। किल का मतलब जान से मारना होता है। बाई सफोकेटिंग यानी गला दबाया होगा, ऐसा कुछ होगा, सफोकेशन जिसको आम भाषा में बोलते हैं। हैंड ही स्केयर्स एंड ब्लैकमेल मी दैट ही विल किल मी, वो मुझे ब्लैकमेल करता है कि वो मुझे मार डालेगा। कट मी अप इन पीसेस, मेरे पीस करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में मुझे बांट देगा। एंड ही थ्रो मी अवे, और दूर कहीं फेंक देगा। इट्स बीन 6 months ही हैज बीन बीटिंग मी, ये पिछले 6 महीने से चल रहा है। बट आई डिड नॉट हैव द गट्स टू गो टू द पुलिस, लेकिन मैं इतनी डरी हूं, सहमी हूं कि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। थिंक टू किल मी, ऐसा कुछ अस्पष्ट है थोड़ा, लेकिन उसका मजमून वही है कि वो मुझे जान से मार देगा। His parents are aware that he beats me. उसके पिता को, उनके उसके पेरेंट्स को भी ये बात मालूम है कि मुझे मारता है। And that he tried to kill. They also know about we living together in East and they visit on weekends. यानी कि श्रद्धा ने इसमें लिखा हुआ है कि उसके माँ बाप, आफताब अमीन पूनावाला के माँ बाप खुद जानते हैं कि हम साथ में रहते हैं, और वीकेंड में वो लोग हमसे मिलने भी आते हैं। आई लिव्ड विद हिम टिल डेथ एज वी वर सपोज टू गेट मैरिड एनी टाइम सून एंड हैड द ब्लेसिंग ऑफ हिज फैमिली। आगे श्रद्धा लिख रही कि मैं इसके साथ रहती हूं और बहुत जल्दी हम लोग शादी भी करने वाले हैं। तो इस तरह से श्रद्धा ने यह पूरा पत्र लिखा, इसमें नीचे भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है, और उस पत्र में साफ तौर पर यह लिखा गया, जैसे मैंने अभी पढ़कर आपको इंग्लिश में भी पढ़ा, उसका हिंदी में भी आपको मैंने माना बताया, हिंदी मीनिंग भी आपको मैंने बताया कि श्रद्धा ने यह साफ तौर पर लिखा कि आफताब अमीन पूनावाला जो है, मैं इसके साथ रहती हूं, उसके मां बाप ये जानते हैं और वो मुझे
मार डालेगा, मेरे छोटे छोटे पीस कर देगा, टुकड़े कर देगा, उनको थ्रू कहीं पे फेंक देगा, ऐसी मुझे धमकी देता है, मुझे ब्लैकमेल करता है। तो ये शिकायत की थी 23 नवंबर 2020 को, इस शिकायत के ऊपर आज जब ये पत्र वायरल हुआ तब तुलिस पुलिस का क्या कहना था कि तुलिस पुलिस ने दूसरा एक पत्र जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो दिखाते हुए कहा कि हमने 26 दिन तक करीब 26 दिन तक इसकी तपास की, जांच पड़ताल की और उसमें दोनों ने आपसी समझौते से केस को पीछे लेने की बात कही, तब हमने ये केस दफ्तरी फाइल कर दिया, यानी कि केस अपने आप बंद हो गया। जो मामला था प्रताड़ना का, जो शिकायत श्रद्धा वालकर ने पुलिस को दी थी, उस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और दोनों पक्षों के जवाब जब लिए तब पुलिस ने कंप्लेन है वो क्लोज कर दी, फाइल कर दी, ये पुलिस का कहना है। अब इनकी दोनों की सहमति से हुआ, दोनों के सिग्नेचर है, पुलिस करी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मामले जो कि काफी संवेदनशील कहे जा सकते हैं, ऐसे मामले में पुलिस ने किस तरह से जांच की, किस तरह से पुलिस की जांच का एंगल रहा होगा, क्या पुलिस की जांच का एंगल सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच सहमति बनाने का था, क्योंकि श्रद्धा यह दावा कर रही थी कि उसके साथ 6 महीने से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में तुलिंज पुलिस की भूमिका थोड़ी संदेहजनक जरूर दिखाई दे रही है। ये उसके माता पिता है जो अच्छी तरह से जानते थे कि आफताब ऐसा कुछ कर सकता है और ऐसा हुआ भी। दिल्ली में आफताब ने जब मर्डर किया उसके बाद में वसई पुलिस के बुलाने पर जब वसई आया और अब आकर यहां आकर जब उसको भनक हुई कि मैं कुछ मुश्किलों में फंस सकता हूं, तो उसने पीछे के रास्ते से अपने परिवार को ही गायब कर दिया। आज उसका परिवार जो है वो अनट्रेसेबल है, पुलिस पता नहीं लगा पा रही है कि आफताब के पिता अमीन पूनावाला और मां और फैमिली मेंबर कहां गए। तो कहीं ना कहीं आफताब अमीन पूनावाला का ये जो पूरा मामला है, श्रद्धा मर्डर केस जो है, पहले से ही ये मामला हाई प्रोफाइल तो था ही, लेकिन अब कहीं सवालों में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि समय रहते जब ऐसे मामलों पर अच्छे से कार्यवाही की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती, आज श्रद्धा जिंदा होती। और श्रद्धा ही नहीं, न जाने श्रद्धा की जैसी और कितनी ऐसी महिलाएं होगी जिसकी शिकायतें पुलिस ने इस तरह से बिना कुछ झगड़ा किए उसको फाइल किया होगा। अब क्या जरूरत है कि जरूरत ये महसूस होती है कि अब पुलिस स्टेशन में फिर से दोबारा इस तरह की आई कंप्लेन को, शिकायत को टटोला जाए ताकि और कोई श्रद्धा जो है इस तरह के हादसे का शिकार ना हो। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे आज जो नया खुलासा सामने आया उसकी पूरी जानकारी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।